तो वहां खान खत्म हो साहब ने जाएगी ना। फरमाया लंदन जाने के बारे से कि लंदन में बड़े बड़े चोर चले जाते हैं, आपका इस पर रिएक्शन क्या होगा? नहीं, मेरा रिएक्शन तो इसलिए हो ना कि अगर खान साहब हवास बाख्ता ना हो, हाँ वो हवास बाख्ता होकर स्पीच फरमाते हैं, और वो खुद कोलमपुर में 2 हफ्ते पहले जब गए हुए थे वहां पर कह रहे थे कि बहुत बड़े बड़े माफियाज हैं। खान साहब, जब डॉलर महंगा होता है तो आप कहते हैं कि टीवी से देखकर मेरे घर वाले मुझे बताते हैं, आपको 17 माह 22 करोड़ आवाम को महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, बैड गवर्नेंस देने के बाद आपको आज तक पता नहीं चला कि आप मुल्क के वजीर आजम की सीट पर हैं। आज जिम्मेदार से पूछे खान साहब कि जो 1300 रुपए की यूरिया की बोरी थी, आज 2000 की मिल रही है। डीएपी की बोरी 2400 की थी, वो 3800 की मिल रही है। ये चीनी 31 मई 2018 तक 48 रुपए की थी, जो आपके प्यारे, आपकी एटीएम मशीनें जो हैं, ये जहांगीर तरीन खान साहब, आपने खुद कहा कि आटे और चीनी पर हमने तहकीकाती कमेटी बना दी काशिफ साहब, जी, और उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आने से पहले खुद खान साहब ने फरमान जारी कर दिया कि तरीन साहब और खुसरू बख्तियार उस तहकीकात में बिल्कुल बरी जमा है, और अभी रिपोर्ट आनी है। और फिर खान साहब ये कहते हैं, जो यूएनओ में जाकर खान साहब ने तैयब अर्दगान और महतीर मोहम्मद साहब से बैठकर बात की थी कि हम एक मुस्लिम टीवी चैनल बनाएंगे, जी, वहां बैठकर इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की डेट और वहां पर फैसले हुए। और जब खान साहब ने खुद अपना शेड्यूल भी जारी कर दिया कि मलेशिया भी जाएंगे, सऊदीया भी जाएंगे और यूए भी जाएंगे, जी, और फिर वहां पर महातीर मोहम्मद साहब के साथ जो बतौर प्राइम मिनिस्टर इन्होंने एग्रीमेंट्स या उनको प्रॉमिस दिया हुआ था, वहां नहीं गए, और अब जाते हैं तो कहते हैं कि मुझे कह दिया गया था कि उम्मा, मुस्लिम उम्मा तकसीम हो जाएगी।